रहेगा ये बताइए तो मैं हम क्या गंदा हो रहे हैं आप ही बताइए हम गंदा हो रहे हैं सीट दूसरा है हम गंदा हो रहे हैं कब कहाँ से बैठे हैं भाई एक अंकल कहाँ से बैठे उनको बेडरोल मिला क्या अभी तक हम गंदा हो रहे हैं क्या बार भी पूछने आए क्या भाई बेडरोल मिला है देगा आदमी तो लेगा ये जो इतना पूरा खचार रहा है लोग आ रहा है जा रहा है इस चीज की चिंता हो रही है आपको पूरे कोच की चिंता नहीं हो रही कि कोच में सफाई है कि नहीं नहीं दे रहा उधर कौन नहीं आने दे रहा वो इतनी बार घूम के गया तो क्यों गुस्सा रखा है इतना बोला पानी की सप्लाई इतना क्यों भर रखा है ये पता है आपको ये मेरा ट्रेन है क्या जो मैं भर के रखा हमसे आरपीएफ को कर दिए ना बस हो गया ठीक है इधर सुनो तुम पेट्रोल दिया कि नहीं कानपुर से जो सवारी आई थी दिया आपके पास लिस्ट होती है ना कि भाई कौन सी सीट पे कौन सा वो आ रहा है पैसेंजर तो उसको पेट्रोल देना होता है ना उस टाइम यहाँ तो पूरा सब सीट पैसेंजर बुक कर तो फिर सब सीट में तो ऐसा ही होगा भैया काम आप हमको ज्ञान मत दीजिए फिर इस तरह का जब इस तरह का जवाब दोगे तो हमारे पास भी इसी तरह का जवाब घुसा हो ना 72 के जगह 104 आदमी घुसा ये हमारी प्रॉब्लम है क्या हम टिकट लेके आए ना हमारे को तो सर्विस चाहिए पूरी सर्विस चाहिए टीटी आके खाली कराया सब मिलेगा टीटी से बात करो फिर हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो कि यहाँ पे क्यों रखा है ऐसे ना टीटी आ रहा है ना आरपीएफ आ रहा कोई अरे इधर आओ अजीब तरीका है बात करने का बताओ इधर आओ यार देखो यहाँ रास्ता पे कितना बुला लो जिसको बुलाना है चलो तुम्हें होश तो आइए 12 बजे कम से कम आए हो निकल के कहीं से सोच आके स्टेशन पे आने से पहले जब पैसेंजर आने वाला होता ना उस टाइम पे पेट्रोल होना चाहिए उसके सीट पे इधर आओ कोच के अंदर में आओ कोटा पटना का यही हाल है देखिए ना भीड़ लड़का को आने अरे यार लड़का तो ना ये जिम्मेवारी पुलिस फोर्स की है ना कि हमें क्लीन करके अरे तो पुलिस फोर्स आप बोलो आप कहिए कि पुलिस फोर्स हो चुके हैं कंट्रोल में उनके बस का काम नहीं है नहीं है इसमें कोच के अंदर पानी सप्लाई का भी बस का नहीं है क्या अब वही ना समझे फिर कोच में पानी सप्लाई कौन करेगा हम लोग करेंगे पानी हम भेज रहे हैं जो पानी सप्लाई करेंगे कोच की सर्विस किसकी जिम्मेदारी है भाई कोच की सर्विस तुम्हें अंदर आने नहीं दे रहे समझ गया बात कोच में पानी को पानी के लिए भी रोक रहे हैं क्या लोग भाई यहाँ पानी भी नहीं डालने देंगे पानी कोच में पानी आ रहा है जाके देखो तो एक बार किसी भी टैप के अंदर पानी आ रहा है बिल्कुल आ रहा है कहाँ आ रहा है आओ दिखाओ चलो कोच में चलो चलो कानपुर में भरा है कहाँ कानपुर में भरा है बिल्कुल पानी भरा है दिखाओ ना मेरे को कानपुर मैं तो अरे आप भी दिखाओ ना मेरे को फालतू बहस करने से बेकार की बातें तो करे मत खालू खालू दूसरा आएंगे अभी कंप्लेन करेगा क्यों करो ना भाई कंप्लेन हम लोग कंप्लेन करें हमारी कंप्लेन की चिंता नहीं है दूसरों कंप्लेन की चिंता है ये आप ही लोग फिर यूज कीजिएगा हमको नहीं उड़ना है अरे तो हम लोगों को यूज नहीं करना है हम पैसे दे रहे हैं तो हमें जो दे रहे हैं उनको तो दो तुम कानपुर में जो आई सवारी उनको पेट्रोल दिए आप लड़का चार बार घूम के गया भाई भाई हम भी इटावा से चढ़े हैं हमें यहाँ ढेर लगा मिला है जहाँ पेट्रोल मिलता है आप चलिए तो पैदल चल के भाई हमें ना चार बैग ले आए बड़े बड़े तुम्हारा लड़का नहीं आ पा रहा है बात कर रहे हो लड़का चार बार घूम के गया दो बार मेरे पास आया कंप्लेन लेके कौन पतला पतला सलम भा अरे पतला पतला सा मैं नाम नहीं जानता छोटा सा हाइट का है 5 फुट 5 फुट चार बार बोला के पेट्रोल